दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय फुलवाड़ी प्लेवे स्कूल थाना कला। आजादी के अमृत महोत्सव और भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। उपमंडल मुख्यालय अम्ब में पूर्व खेल मंत्री और हिमुडा उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इस मौके पर पूर्व खेल मंत्री और हिमुडा के उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को राष्ट्रीय स्तर पर अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है। युवाओं में देशभक्ति की भावना का संचार करने के उद्देश्य से ऐसे आयोजन समय समय पर कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय स्वागत योग्य है, जिसमें भारत के बचपन और जवानी को फिट रखने के लिए ये मुहिम चलाई है। उन्होंने कहा कि अगर देश का युवा फिट और स्वस्थ रहेगा तो नए भारत का निर्माण होगा और भारत आत्मनिर्भर और स्वस्थ भारत बनकर उभरेगा। आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में फिट इंडिया मूवमेंट चली है। सभी लोग वर्जिश करें, फिट रहें और सब ने एक शपथ ली है कि हम अपने जीवन में 30 मिनट रोज अपनी फिटनेस के लिए देंगे। प्रधानमंत्री जी का ये जो निर्णय है कि भारत का बचपन, भारत की जवानी अगर फिट रहेगी तो भारत हिट रहेगा, इसी को लेकर के ये अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। और हमें लगता है कि भारत अब नए भारत की तरफ बढ़ते हुए आत्मनिर्भर भारत, फिट भारत, स्वस्थ भारत बनकर के उभरेगा और भारत दुनिया की उभरती हुई ताकतों में से एक बनकर के आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इसी उपलक्ष्य को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। थाना कला में खुल गया है फुलवाड़ी प्लेवे स्कूल। स्कूल की प्रिंसिपल आरती वशिष्ठ ने बताया कि स्थानीय जनता की जोरदार मांग पर फुलवाड़ी प्लेवे स्कूल थाना कला में खुलने से अब छोटे बच्चों को दूर दराज तक नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि फुलवाड़ी प्लेवे स्कूल जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने की उचित व्यवस्था की गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9816052152, 9861896232। मैं आरती विशिष्ट व विशिष्ट परिवार की ओर से ग्राम पंचायत थाना कला में जनता की मांग को देखते हुए फुलवारी प्ले स्कूल की शुरुआत करने जा रही हूँ, जिसमें बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी और आने वाले समय में स्कूल का और ज़्यादा विस्तार किया जाएगा। फुलवारी स्कूल खुला है जो थाना कला में, इसकी बहुत ज़रूरत थी यहाँ पे पूरे एरिया में। थाना कला क्षेत्र में हमारे दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है, इसलिए हमने छोटे बच्चों के लिए एक फुलवाड़ी की वो करी है और पेरेंट्स का ये डिमांड थी और हम इसको स्कूल को आगे लेके जाएंगे। यहाँ पे हमने थाना कला क्षेत्र में एक फुलवारी स्कूल खोला है छोटे बच्चों के लिए, तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म था नहीं तो हमने ये छोटे बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म चलाया है, तो सब बच्चों को यहाँ पे फैसिलिटी मिल रही है। छोटे बच्चों को लाएं और यहाँ पे सुविधा लें स्कूल की।